welcome back to my youtube channel learn continental english today i have come up with another new pair of homophones which is very common and very important you should know this and what are these homophones they are enquire and inquire okay a slight pronunciation made difference here but still they come in the category of homophones Pehla enquire hai, E N Q U I R E. रिमेंबर E N Q U I R E. एंड दूसरा इंक्वायर होता है I N Q U I R E. क्या डिफरेंस है पहला जो इंक्वायर है ई एन क्यू यू आई आर ई इसका मतलब होता है टू आस्क अ जनरल क्वेश्चन इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ कोई भी साधारण जो आप क्वेश्चन किसी से करते हो ना या तो फॉर्मल भी हो सकते हैं इनफॉर्मल भी दैट इज कॉल्ड इंक्वायर जैसे कि आप ट्रेन ट्रेन डिटेल्स लेते हो राइट फ्लाइट डिटेल्स लेते हो होटल डिटेल्स लेते हो ये सारे ई एन क्यू यू आई आर ई में आ जाएगा फिर से मैं बोल रही हूँ इंक्वायर का मतलब होता है

अब दूसरा इंक्वायर दैट इज़ आई एन क्यू यू आई आर ई इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इन लीगल एंड ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस यानी कानूनी पूछताछ या कानूनी छानबीन में जो क्वेश्चन uh, पूछे जाते हैं ना दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आई एन क्यू यू आई आर ई रिमेंबर कानून से जो भी रिलेटेड है चाहे वो लीगल हो चाहे वो ऑफिशियल हो वो जो क्वेश्चंस कर चाहे पुलिस क्वेश्चन uh, करे या आपको लॉयर क्वेश्चन करे किसी मर्डर केस के बारे में या किसी रेप केस के बारे में ये सारे के सारे आ जाएंगे इंक्वायर आई एन क्यू यू आई आर ई अब आपको मैं एग्जांपल्स के हेल्प से समझाऊंगी दोनों का डिफरेंस इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सो so, वीडियो के एंड तक बने रहिए आप पहला अगर हम इंक्वायर की बात करें तो इसे हम सेंटेंस बना सकते हैं माई डैड इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट अबाउट द कॉस्ट ऑफ सिंगल रूम सर्विस यानी जब आप होटल जाते हो ना और सिंगल रूम का कॉस्ट पूछते हो या सर्विसेज पूछते हो तो वो ई एन क्यू यू आई आर ई डी में आएगा एक और सेंटेंस देख लेते हैं वी एनक्वायर द फ्लाइट अटेंडेंट अबाउट द डिपार्चर टाइम ऑफ द फ्लाइट यानी फ्लाइट अटेंडेंस है जो हमने फ्लाइट डिटेल्स का बात किया जैसे कि कब फ्लाइट डिपार्ट होने वाली है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अगैन एनक्वायर ई एन क्यू यू आई आर ई पहला वाला अब हम दूसरा भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेज दैट इज इनक्वायर्ड आई एंड क्यू यू आई आर ई डी ये इसका पास टेंस हुआ द सी बी आई इनक्वायर्ड लालू प्रसाद यादव अबाउट द चारा घोटाला स्कैम यानी सी बी आई जो लालू प्रसाद यादव से जो भी क्वेश्चन किया दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ आई एंड क्यू यू आई आर ईके एक और सेंटेंस देख लेते हैं ई डी इंक्वायर्ड केजरीवाल अभी केजरीवाल जी जो है अभी जस्ट लिखर स्कैम में Uh, उनसे काफ़ी इंक्वायरी की गई है राइट right? तो ई डी इंक्वायर्ड केजरीवाल रिगार्डिंग द लिकर स्कैम इन डेल्ही रिमेंबर फिर ये क्या है दिस इज रिलेटेड टू लीगल एंड ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस तो ये किस किस कैटेगरी में आएगा आई एन क्यू यू आई आर ई राइट सो टुडे वी हैव डन द डिफरेंस बिटवीन एनक्वायर एंड एनक्वायर नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है आई एम गोइंग टू कम विथ अनदर न्यू पेयर ऑफ होमोफोन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया शेयर नहीं किया प्लीज़ गो आई हैड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश थैंक यू एवरीबडी